कौन मर गया कौन मर गया चोपना में वहाँ के बापू की माता जी सांस भोपाल से आए, उसके बाद भी उन्होंने झंडा वंदन करा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को छोड़ के सारी उन्होंने पर्व मनाए। घोड़ा डोंगरी तहसील कार्यालय में शनिवार को राजस्व महाअभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन बड़ी बात ये थी कि इस शिविर की भाजपा नेताओं को जानकारी नहीं दी गई, साथ ही शिविर की मुनादी भी नहीं कराई गई, जिससे लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। जानकारी नहीं देने को लेकर विधायक घोड़ा डोंगरी गंगा सज्जन सिंह उई के गुस्से हो गई और भाजपा नेताओं के साथ धरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उइके ने 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने को लेकर नगर परिषद पर खूब भड़ास निकाली। नगर परिषद सीएमओ ऋषिकांत यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई मर गया था जो आपने मातम बनाया, लेकिन कार्यक्रम आयोजित नहीं कराया गया। और यहाँ पर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा था कि मातम में बोल रहा हूँ, ऐसा कौन मर गया कौन मर गया शेर लागे ना चोपना में वहाँ के बापू की माता जी सांस भोपाल से आए, उसके बाद भी उन्होंने झंडा वंदन कराए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को छोड़ के सारी उन्होंने पर्व मनाए। कौन मर गया था इसका नहीं कि हमने कुछ टेक्निकल त्रुटियां हुई थी तो हमने कहा पहले इसको अपन सॉल्व करें, उसके बाद वहां पे बैठे हैं शिविर में, क्योंकि अधिकारियों को हम जो बोले वो करना चाहिए या ना कि वो जो बोले हम उसकी सुने। इस वजह से थोड़ा हम विचार विमर्श कर रहे थे, हमारे वरिष्ठ सभी बैठे थे जी। और 26 जनवरी को मैडम यहाँ कुछ कार्यक्रम नहीं हुए नगर परिषद द्वारा, उसको लेके भी आपत्ति दर्ज कराई आपने? 26 जनवरी को देखो हर वर्ष जो कार्यक्रम होते हैं उस अनुसार नहीं हुए ऐसा मुझे पता पड़ा, मैं चोपना क्षेत्र में थी तो होना चाहिए था। ये नगर परिषद जो है सीएमओ साहब ये किसके अनुसार काम कर रहे नहीं कर रही है, इनकी लगातार त्रुटियाँ होते जा रही है, तो इसके लिए भी हम विचार विमर्श करेंगे सभी बैठ के यही बात। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों में घोंडा डोंगरी विधायक की फोटो नहीं लगने पर भी आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर शाहपुर एसडीएम अभिजीत सिंह ने विधायक से माफी मांगकर आगे से इस तरह की गलती नहीं होने का आश्वासन दिया। लिहाजा इस सारी घटनाक्रम के बाद ही राजस्व महाअभियान शिविर का कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन गंगा उइके के ये शब्द काफी वायरल हो रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए बैतूल से विनोद पात्रिया।